नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। जहां आगे क्या है खास जानिए, कैसे चीन से बड़ी खबर है, ड्रैगन की सेना अंतरिक्ष से युद्ध छेड़ने की प्लानिंग करने में जुटी हुई है स्टार वॉर स्टाइल में, कैसे लाल देश सुपर पावर अमेरिका को सदमा देने वाला है, डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। वही बड़ी खबर अमेरिका से जो कैंपस प्रोटेस्ट की चपेट में है, और फिलिस्तीन के समर्थन में आखिर कैसे अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटीज में चली विरोध की लहर। तस्वीरों के जरिए एक एक जानकारी रखेंगे आपके सामने, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए स्थिति का अंदाजा भी होगा कि किस तरीके से यहां अब विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। वही खबर यूरोप के डर की, क्योंकि पुतिन की प्लानिंग से नेटो देश अब खतरे में है, और आखिर कैसे पुतिन पूर्वी नेटो को टारगेट करने की रणनीति पर कर रहे हैं काम, विश्लेषण के साथ पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। वहीं अमेरिका की यूक्रेन को दी जा रही शेयर से भी एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को एक गुप्त मिसाइल दी है, और इस मिसाइल से कैसे रूस को चौंकाया जा रहा है पूरी खबर अब से थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक अनोखा वीडियो देखिए, ये वीडियो स्पेन से आया है, और आपको बता दें वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस तस्वीर को जरा अब आप गौर से देखिए। एक शख्स अपने भाई को अपने सिर पर उल्टा, देखिए ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसने अपने भाई को उल्टा उठा रखा है और 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गया। दोनों भाइयों का ऐसा बैलेंस देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, और जिस समय कारनामे को अंजाम दिया गया उस समय वहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद थी। वियतनाम के दोनों भाइयों ने बिना चूक किए अपना बैलेंस बरकरार रखा। स्पेन के सेंट मैरी कैथेड्रल की 100 सीढ़ियां चढ़ी, दोनों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और अब देखिए कैसे सुपर पावर अमेरिका इन दिनों नई समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका के छात्र इन दिनों गुस्से में, और अमेरिका की करीब 25 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं, पूरी ताकत से इसराइल का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। कोलंबिया, हार्डवुड, येल, टेक्सास जैसी दर्जनों अमेरिकी यूनिवर्सिटीज जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी हैं। उग्र छात्रों पर पुलिस कैसे प्रहार कर रही है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद ने इसराइल को वित्तीय पैकेज दिया है, और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच आपको बता दें अमेरिका में प्रदर्शन पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। 1930 के जर्मनी में यहूदियों के विरोध से तुलना की है, और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू की तरफ से लगातार इस विरोध की तस्वीरें सामने आने के बाद इस हालात को देखते हुए ये बयान सामने आया है। What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned, and condemned unequivocally. नेतन्याहू साफ तौर पर कहा कि ये खौफनाक है और ये रुकना चाहिए, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो रहे विरोध प्रदर्शन की अब ये तस्वीरें देखिएगा। टेक्सास यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हैं। मुंह पर काली पट्टी बांधे इन कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस कैसे काबू में करने की कोशिश कर रही है ये तस्वीर देखिए। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन उग्र तब और हो गया जब यूनिवर्सिटी में पुलिस आ गई और छात्रों को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग करने लगे। यहां के करीब 34 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। टेक्सास यूनिवर्सिटी की तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी, जहां छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। ये लोग इसराइल नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। धक्का मुक्की जब बड़ी तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने करीब 15 तंबू भी लगाए हैं। छात्र रात भर इन तंबुओं में रह रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। यानी ये प्रदर्शन कुछ घंटों का नहीं, कुछ दिनों का नहीं, बल्कि 15 दिन तक जिस तरीके से विरोध ये स्टूडेंट्स जता रहे हैं इन सभी को यहां से हटाने के लिए, देखिए कैसे फोर्स ने बल प्रयोग किया।
और अब यूनिवर्सिटी ऑफ सर्दर्न कैलिफोर्निया की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, जहां प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र को गिरफ्तार किया गया और जैसे ही इसको यहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बाकी छात्र और उग्र हो गए। आपको बता दें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा सॉलिडारिटी कैंपेन चलाया जा रहा है। इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय अपोथेट डाइवेस्ट CUAD नाम के छात्र संगठन चला रहे हैं। संगठन की मांग है कि यूनिवर्सिटीज उन कंपनी से अलग हो जाएं जो गाजा पर हमला करने वाले इसराइल से फायदा हासिल करती हैं। वहीं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का नेतृत्व NYU नाम का संगठन कर रहा है और छात्रों की ये मांग है कि यूनिवर्सिटी का तेल अवीव कैंपस बंद किया जाए क्योंकि यहाँ फिलिस्तीनियों छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जाता। अमूमन जब ऐसे विरोध प्रदर्शन किसी और देश में होते हैं तो अमेरिका उस देश को नसीहत देता है। भारत में भी हुए छात्र प्रदर्शन में अमेरिका ने भारत को नसीहत दी थी, लेकिन अब पूरी दुनिया अमेरिका को संयम बरतने का पाठ पढ़ा रही है। ईरान, रूस ने अमेरिका को लोकतांत्रिक प्रदर्शन का सम्मान करने की अपील की है। और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो रहे इसराइल विरोधी प्रदर्शन की तुलना 4 साल पहले हुए प्रदर्शन से की जा रही है। 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी चली गई थी और इसी साल फिर अमेरिका में चुनाव है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसराइल विरोधी प्रदर्शन से क्या इस बार जो बाइडेन की कुर्सी जाएगी, क्योंकि विरोध चाहे इसराइल को हो लेकिन टारगेट में अमेरिकी सरकार है। इसराइल को अमेरिका से मिल रहे समर्थन की निंदा की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि इसराइल को अमेरिका की भेजी हुई मदद गाजा में नरसंहार कर रही है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ अब हम चर्चा की भी करेंगे शुरुआत। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं और संवाददाता सुमित चौधरी भी हमारे साथ हैं। मनीष, क्या खबर, क्योंकि ये हालात जिस तरीके से अभी तक इसराइल और इसराइल के आसपास जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती थी, आज अमेरिका में खुलकर 25 यूनिवर्सिटीज की ये स्थिति बड़े सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल सुरभि, अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता है या अक्सर दोहराता है। 1960-70 के दशक में जब वियतनाम के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, तब अमेरिका में बहुत भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। प्रोफेसर अमिताभ उसके बारे में बता भी सकते हैं बहुत सारा। लेकिन उसके बाद देखिए कि साल 2020 में मैं खुद अमेरिका में था, हमने ब्लैक लाइव मैटर्स के तमाम प्रोटेस्ट कवर किए थे और हमने देखा था कि कैसे उस प्रोटेस्ट के ऊपर बैठ कर बाइडन व्हाइट हाउस के अंदर गए, व्हाइट हाउस से ट्रंप की विदाई हुई। अब ऐसा लगता है कि जब एक बार फिर अमेरिका चुनाव देखने जा रहा है तो उससे ठीक पहले छात्रों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, अमेरिका की सरकार हो या अमेरिका की संसद, वो भले ही इसराइल को $40 बिलियन का वित्तीय मदद दे रहा है, बहुत सारे हथियार दे रहा है, लेकिन छात्र और अमेरिका की एक बड़ी आबादी अमेरिकी सरकार के इस नीति से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि जब तक ये हथियार दिए जाते रहेंगे तब तक गाजा में मौजूद आम लोगों पर इजरायली कार्रवाई होती रहेगी और इसीलिए वो फिलिस्तीन के समर्थन में आए हैं। अहम बात यह है कि यह टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह सब कुछ होना ये बता रहा है कि ये बाइडेन के लिए कम से कम शुभ संकेत तो नहीं है। चलिए प्रोफेसर अमिताभ, सीधा सवाल आपसे, ये नेतन्याहू के खिलाफ विरोध है, इसराइल की परपेचुअल वॉर पॉलिसी के खिलाफ विरोध है या सीधा विरोध जो बाइडेन का? देखिए सुरभि, मैं थोड़ा सा इसका एक छोटा बैकग्राउंड दूं। मैं अभी 15 दिनों पहले बोस्टन में था, 2 यूनिवर्सिटीज गया था मैं, हार्वर्ड और MIT, कुछ अपने एकेडमिक काम से, और दोनों में एक लेटेंट सा फियर था अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ जो फिलिस्तीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको वो एंटी जायनिस्ट प्रोटेस्ट कह रहे हैं या एंटी सेमिटिक प्रोटेस्ट कह रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है वहां के कैंपसेस में, आप देख के लगेगा कि ये किसी समय मतलब पूरे उबाल पे है और किसी भी समय इनका आक्रोश फूट सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये बिन्यामिन नेतन्याहू का नहीं है, ये सीधा सीधी इजराइल के उस पॉलिसी के खिलाफ है जो पैलेस्टीनियंस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आज तक डिस्क्रिमिनेट करता आए हैं और अभी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू को अब एक स्टैंड लेना होगा कि ऐसे समय
जब पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ और इसके आईडीएफ के खिलाफ एक एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या एक विरोध है, उस समय वो क्या करेंगे? और ऐसे में अमेरिका को भी एक एक पॉल लेना होगा। देखिए, अमेरिका बहुत एक, मैं कहूँ एक शातिर खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का। वो कर क्या रहा है, जो 25-26 बिलियन यूएस डॉलर्स उसने दिए हैं इसराइल को एड में, उसको बांट दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा में भी जाएगा और ये इसराइल में भी जाएगा, यानी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भी होगा, इसराइल में भी जाएगा। यानी एक तरफ बम दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ब्रेड भी दे रहे हैं। Exactly. तो ये पॉलिसी जो है जो बाइडेन की, ये अमरीकियों के अंदर ये अच्छी गुजर नहीं रही है, और उनको लग रहा है किसी ना किसी तरह कि इस बिल्कुल सही इस स्थिति के लिए जो बाइडेन, लेकिन इस स्थिति का क्या आने वाले वक्त में चुनाव के मद्देनजर खामियाजा भी जो बाइडेन को उठाना पड़ेगा, यही बड़ा सवाल है। आपके पास जल्द लौटती हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जहां जमीनी युद्ध, हवाई युद्ध और समुद्री युद्ध में उलझी दुनिया के बीच अब चीन ने नई जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और चीन ने अंतरिक्ष में भी अपनी सैन्य तैनाती कर दी। आपको बता दें, चीन अब अंतरिक्ष से पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है, और चीन के इस खतरनाक मंसूबे से दुनिया खतर अभी तक अनजान थी। इन्फॉर्मेशन आपके सामने, दुनिया में सबसे खतरनाक जंग छेड़ने की तैयारी में चीन है, और चीन अंतरिक्ष में जिस तरीके से स्टार वॉर आर्मी बना रहा है, उसको लेकर खबर बड़ी है। चीन के पास 350 जासूसी सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट से दुश्मन की हर हरकत पर चीन नजर रखता है, और जासूसी सैटेलाइट से पीएलए को पल पल की इनपुट मिल रही है, जानकारी मिल रही है, और जानकारी मिलने के बाद दुश्मन पर सटीक हमले को वो दे सकता है अंजाम। हालांकि जासूसी सैटेलाइट से पूरी दुनिया पर चीन की नजर को लेकर इससे पहले भी बड़े स्पेक्यूलेशन लगाए गए हैं, लेकिन दुनिया पर लगातार मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच चीन सबसे खतरनाक जंग की जिस तरीके से तैयारी में जुटा है, अमेरिका की स्पेस डेल्टा 2 फोर्स और नासा ने चीन पर ये बड़ा खुलासा करके सनसनी मचा दी। आपको बता दें, अमेरिका के टॉप ऑफिसर्स का कहना यह है कि चीन ने अंतरिक्ष में स्पेस मिलिट्री की तैनाती कर रखी है, और इससे बीजिंग के खतरनाक युद्ध के इरादों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें, मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी मेरे साथ हैं। सुमित, सवाल यही होगा, अंतरिक्ष में स्पेस मिलिट्री की तैनाती का मतलब क्या है, और आपको यह भी बता दे कि कैसे चीन अंतरिक्ष से युद्ध लड़ने की तकनीक को अब पुख्ता कर रहा है। यह इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां अंतरिक्ष से महायुद्ध, ड्रैगन की महातैयारी, क्योंकि चीन ने अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट की तादाद बढ़ाने का जो फैसला लिया है, चीन ने 6 साल में जासूसी सैटेलाइट को 3 गुना कर दिया है। अमेरिकी स्पेस डेल्टा 2 फोर्स के अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा दावा कि चीन आसमान से पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है। चीन के पास अभी 350 जासूसी उपग्रह हैं। 2018 से 2023 तक 300% का इजाफा, और जासूसी सैटेलाइट से दक्षिण चीन सागर में निगरानी को देखते हुए ये बड़ा दावा है। हालांकि जासूसी सैटेलाइट से पीएलए को रणनीति बनाने में जिस तरीके से मदद मिलती है, उसी के आधार पर हम चर्चा भी करते हैं, और इसीलिए सुमित समझाएं ये कितना बड़ा संकेत और कितना बड़ा खतरा। देखिए, अब अगर आप देखें कि सबसे पहले सुरभि, आप ये जाने कि सैटेलाइट का या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस समय सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। अब पूरा वॉर सिनेरियो जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के ऊपर आ चुका है। जब हम बात कर रहे हैं लगातार, तब आप मानिए कि अभी कुछ ही दिन पहले, करीबन 4 से 5 दिन पहले, चीन ने अपने सैन्य कमांड में, यानी अपनी पूरी सैन्य, आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव किया। ISF, यानी उन्होंने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स बनाई है, जो पहले स्ट्रेटेजिक फोर्स के नाम से जानी जाती थी, और इसका मेन काम होगा ना सिर्फ साइबर वॉरफेयर के अंदर अपने आप को कुशल बनाना, बल्कि स्पेस के अंदर मिलिट्राइजेशन करना, यानी लगातार दुश्मन के स्पेस को अटैक करना, उनकी चीजों को प्रभाव करना, उनके इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, उनके सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन कर देना, यानी उनको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन के मामले में पैरालाइज कर देना, और दूसरा सबसे बड़ा काम, अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते जाना। चीन ये जानता है, क्योंकि चीन का पूरा सेटअप, आप मानिए चीन का पूरा सेटअप जो है सर्विलेंस का, वो इन्हीं सैटेलाइट्स पर, ड्रोन्स पर, उसके सर्विलेंस सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है, और चीन ये जानता है कि अगर कोई उसको टारगेट कर सकता है, या फिर उसको कोई प्रभाव कर सकता है, उसको इंपैक्ट कर सकता है, तो उसके सैटेलाइट्स से ही इंपैक्ट कर सकता है। इसी वजह से चीन ना सिर्फ अपने लिए एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दुश्मन देशों को साइबर वॉरफेयर में या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, आज के इस हालात में चीन की ये तैयारी भी कर रहा है। ये जो स्पेस मिलिट्राइजेशन की प्रोफेसर अमिताभ बात हो रही है, इसका पर्पस तो सुमित ने समझा दिया, लेकिन आज के इस हालात में ये तैयारी क्या संकेत देती है? देखिए, एक चीज ध्यान देंगे आप सुरभि, कि ये जो चीन का 300 बिलियन यूएस डॉलर का जो बजट है, उसमें आप पाएंगे कि चीन अपने अपने सिटीजन्स पर भी सर्वेलेंस करता है।
या तो दुनिया में कोई देश अगर अपने सिटीजन्स पे सर्वेलेंस में ज्यादा पैसे खर्चा करता है और एक्सटर्नल सर्वेलेंस पे कम खर्च करता है तो वो चीन है। तो इसका डुअल पर्पस है, एक तो अपने जो इंटरनल डिसिडेंट्स हैं उनको चेक करना और दूसरे एक्सटर्नल डिसिडेंट्स को भी चेक करना। ओके। और ये एक, 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 एक नया तरीका भी बन गया है कि लोग अपने जितने बड़े देश है वो चाहते क्या है कि वो अपने सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं कि बाद में अगर युद्ध की स्थिति आई या विपत्ति के समय उसको यूज किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, लेकिन लेकिन मैं आपको इस पर रोकना चाहूंगी। एक और सबसे बड़ी खबर मिल रही है जहां एक और वॉर फ्रंट से ये खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन जीतने पर पुतिन अब बड़ा फैसला ले सकते हैं, नेटो के पूर्वी हिस्से पर हमला कर सकते हैं पुतिन। जर्मनी खतरे को देखते हुए योजना बनाने में जुट गया है और युद्ध की स्थिति में अमेरिकी फौज की मदद जर्मनी करेगा। आपको बता दें द टेलीग्राफ के हवाले से ये बड़ी खबर है और इसी खबर के तहत मैं आगे इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको जर्मनी की तैयारी और जर्मनी की तैयारी को देखते हुए ये फैसला क्या बड़ा संकेत दे रहा है इस पर करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध की स्थिति में यूएस की मदद जर्मनी करेगा और इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से रूस का अगला टारगेट नेटो अगर होता है तो जर्मनी उसी हालात को देखते हुए तैयारी को लेकर अब बड़े दावे भी कर रहा है। यानी बड़ी खबर क्या है कि नेटो के पूर्वी हिस्से पर हमला कर सकते हैं पुतिन और यूक्रेन जीतने पर पुतिन अगर आगे ये बड़ा फैसला लेते हैं तो जर्मनी खतरे को देखते हुए अभी से योजना बनाने में जुट गया है। आइए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इस बड़े सवाल को देखते हुए ये चर्चा भी करूंगी और साथ ही वो मैप और वो इंपॉर्टेंट लोकेशन आपके सामने हम रखेंगे जहां देखिए जर्मनी अगले 5 साल में खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के युद्ध भड़काने के डर से जर्मनी के, आपको बता दें जर्मनी के डर से ही ये पूरी तैयारियां इस वक्त ये बड़ा संकेत दे रही है कि आखिर खतरा कितना ज्यादा हो सकता है। हालांकि पुतिन की सेना यूक्रेन में जीती तो रूस का मनोबल बढ़ जाएगा और पुतिन नेटो के पूर्वी हिस्से में हमला कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में जर्मनी की अमेरिकी सैनिकों से मदद लेने की योजना को लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि नेटो देशों को रूस से डर है तो रूस ने अपने डर को भी अब सार्वजनिक किया है। रूस का दावा यह है कि मौजूदा समय में रूसी बॉर्डर की घेरेबंदी की जा रही है और नेटो के सैनिक रूस पर हमले के आदेश का इंतजार भी कर रहे हैं। अब रूस के दावे के मुताबिक नेटो बॉर्डर पर कैसी स्थिति है उस पर जरा नजर डाल लीजिए क्योंकि रूसी बॉर्डर पर नेटो महायुद्ध का बिगुल बजाई है, इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि 1 लाख से ज्यादा नेटो सैनिकों की तैनाती को लेकर बड़ी खबर है। 33,000 नेटो सैनिक, 300 टैंक, 800 आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ तैनाती और 90,000 नेटो सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनाती जो बड़े संकेत देती है रूस की तैयारी आखिर कैसी है। यही इनपुट आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित और साथ ही लेनिनग्राद इलाके में 7,000 हथियारों की तैनाती, मॉस्को में 2,400 आधुनिक हथियारों की तैनाती। मनीष एक जवाब इस लिहाज से समझना चाहूंगी क्योंकि ये जो बॉर्डर एरियाज हैं इन बॉर्डर्स एरिया के तहत अगर ये पहली खबर पर मैं आपसे जवाब चाह रही हूं कि अगर बढ़त हासिल कर लेता है रूस तो उसका अगला टारगेट नेटो का पूर्वी हिस्सा हो सकता है, जर्मनी उस लिहाज से अपनी तैयारी को लेकर इस वक्त दावे कर रहा है? देखिए बड़ा दिलचस्प है ये, रूस कहता है कि नेटो हम पर हमला करेगा इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए हमने यूक्रेन के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किया था। वहीं नेटो कहता है कि रूस हमला करेगा इसलिए नेटो के देशों को लड़ाई लड़नी चाहिए। और नेटो और रूस के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम यूक्रेन में युद्ध तो देख ही रहे हैं। अब आने वाले समय में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि रूस और नेटो का आमने सामने का टक्कर है। जरा आप सोचिए, रूस आज की तारीख में अगर जर्मनी पर अटैक करे तो क्या रूस को पता नहीं है कि जर्मनी पर अटैक करना हो या पोलैंड पर अटैक करना हो या किसी भी यूरोपीय देश में जो नाटो का मेंबर है, एक पर अटैक करने का मतलब है कि 30 देश एक के साथ लड़ना है। तो रूस पहला कदम ये क्यों उठाएगा? वो तभी उठाएगा जब उसे लगेगा कि अब और कोई विकल्प नहीं है, तब जाकर वो उठाएगा। और नाटो के लोग लगातार चारों तरफ से घेरेबंदी कर रहे हैं, नए नए मेंबर बन रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि हमको रूस का मुकाबला करना है। कुल मिलाकर यह है कि दोनों तरफ के लोग या दोनों तरफ जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले लोग हैं उन्होंने तय कर लिया है कि एक बार प्रलय के लिए युद्ध करना ही है और बस अब यही देखना है कि पहली बाजी कौन शुरू करता है, पहली लड़ाई कौन शुरू करता है, रूस और नाटो की जंग। इस वक्त के हालात यही बयां कर रहे हैं कि महायुद्ध की आशंका के बीच नेटो के लिए यह खबर अच्छी नहीं है क्योंकि नेटो को घेरने का प्लान तैयार हो गया है और पुतिन ने गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं, साथ ही अमेरिका भी एक्टिव है। अब पुतिन की नजर यूक्रेन जीतने के बाद नेटो पर है, खासतौर से पूर्वी नेटो के देश पुतिन के युद्धक रडार पर आ गए हैं और पुतिन को रोकने के लिए नेटो यूक्रेन को मजबूत करना चाहता है क्योंकि अगर रूस यूक्रेन में हारा तो
तो पुतिन के हौसले टूट जाएंगे और पुतिन नेटो पर हमला करने की नहीं सोचेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान यही है कि पुतिन अगले कुछ महीनों में यूक्रेन को हरा देंगे और उसके बाद पुतिन का अगला मिशन हो जाएगा शुरू। अब पुतिन का यह मिशन यूरोप के कई देशों के अस्तित्व को संकट में भी डाल सकता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और अमेरिका की खबर, जहां बात अमेरिका की करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को घातक मिसाइल भेजी है और पहली बार ATACMS यूक्रेन को सौंपी गई है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल को लेकर यह खबर बड़ी है, जहां गुप्त मिशन के तहत यूक्रेन पहुंचाई गई है ये, और पिछले हफ्ते क्रिमिया में दागी गई थी ATACMS। अमेरिकी मैगजीन पोलिटिको में के सोर्सेस के हवाले से ये जो बड़ी खबर सामने आई है, ये मिसाइल आखिर कितनी घातक है इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने रखेंगे। और सुमित, एज अ डिफेंस एडिटर, मुझे आज के इस हालात में ये बताइए कि जब हम इस आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की बात करते हैं तो ये बड़ा फैसला जिस लिहाज से लिया जा रहा है, ये क्या बड़ा मैसेज है? क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि पहली बार इसे यूक्रेन को सौंप दिया गया है। इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुमित मैं आपका जवाब भी चाहूंगी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर सुरभि आप देखें कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अब यूके भी लगातार ऐसे मिसाइल सिस्टम, ऐसे मिसाइल लगातार यूक्रेन को दे रहा है जो उसके लिए एक शील्ड का तौर पे काम कर रहा है। अभी आप देखें कि अमेरिका ने एक नई, आप कह सकते हैं कि नई एड का ऐलान तो किया ही, बल्कि चुपचाप ऐसे टेक्टिकल वेपन्स लगातार यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रशिया का जो ऑपरेशन है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, वो लगातार यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में घुसेंगे और इसी वजह से ऐसे मिसाइल पावर से लैस किया जा रहा है। और खास बात ये भी कि ना सिर्फ ये काम अमेरिका कर रहा है बल्कि यूके भी इस काम में बना हुआ है, और यूके ऐसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स या बॉम्ब्स इसको यूक्रेन को प्रोवाइड करा रहा है, जिससे वो अपनी इलाकों की क्षमताओं या फिर आप कह सकते हैं शक्ति को का इजाफा कर सके। बिल्कुल, लेकिन इसी के बारे में भी हम बता रहे हैं, क्योंकि बैलिस्टिक प्रणाली की मिसाइल है और फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर, वजन 1670 किलो, गाइडेड सिस्टम GPS और अटैक सिस्टम सर्फेस टू सर्फेस। लेकिन मनीष, एक सवाल अब आपसे, क्या यही मिसाइल अब युद्ध में गेम चेंजर साबित होगी? रूसी टैंक से निपटने में यह सक्षम है, क्रिमिया की मदद में इसको फायदेमंद, और छोटी सैन्य टुकड़ियों से निपट भी सकती है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि रूसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा जा सकता है और ATACMS को हाईमार्स से लॉन्च करना भी संभव है। लेकिन मनीष, यही सवाल, क्या आज के इस हालात में यह गेम चेंजर साबित होगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी आशंका इसी बात की है कि ये सब जितने लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं या फिर एक दर्जन से अधिक दूसरे और तरह के हथियार अभी रास्ते में हैं जो कि यूक्रेन पहुंचने वाले हैं अगले एक आध दो दिन के भीतर में, तो वैसी स्थिति में आप सोचिए कि जब इसके जरिए रूस के अंदरूनी इलाके में हमला होगा तो फिर रूस का रिएक्शन क्या होगा? तब वो कहेगा कि अमेरिका के हथियार से रूस के भीतर हमला हो गया तो इसलिए हम नाटो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उन जगह पर कार्रवाई करेंगे जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं या अमेरिका के हथियार रखे हुए हैं, और वैसी स्थिति में जर्मनी, पोलैंड या दूसरे और जगह के जो बेसिस हैं वो उनके निशाने पर हो सकते हैं। देखिए, जब तक ये लड़ाई क्रीमिया तक है तब तक तो फिर रूस और यूक्रेन का जो 2 साल से जैसे युद्ध चल रहा है यही धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई बेलग्रोद से अंदर आएगी, जैसे ही इस लड़ाई में रूस के दूसरे शहर चपेट में आएंगे, तो फिर रूस इस पर सीधे हमला अपना घोषित करेगा, यानी दायरा अभी और ज्यादा इस लिहाज से बढ़ेगा जो बात आप मनीष कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को कुछ दिनों में अतिरिक्त ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल भेजने वाला है, और क्योंकि कल राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य सहायता का ऐलान किया है, ये सैन्य सहायता तब दी जा रही है जब ज़ेलेंस्की हथियार खत्म होने की बात कर रहे थे और बार बार पश्चिम से मदद की भी गुहार लगा रहे थे। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए $1 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। अब इस पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें, गोला बारूद, ड्रोन और सैन्य वाहन देगा। तो बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य पैकेज देने का ऐलान करते हुए बड़ी बातें कही हैं। रूस को चीन, ईरान और उत्तर कोरिया मदद कर रहे हैं, ऐसे में यूक्रेन को तुरंत मदद की जरूरत है। अमेरिकी सैन्य मदद के तहत ही यूक्रेन को क्या क्या सैन्य साजो सामान मिल रहा है, इसी बारे में अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन को 83 अरब की, आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य मदद को लेकर यह बड़ी खबर है। ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, RIM-7 मिसाइल, AIM-9M मिसाइल, स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी गोले, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, 84 एंटी आर्मर सिस्टम, एंटी माइन व्हीकल। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी ये कहा गया कि ये पैकेज सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है बल्कि ये पैकेज यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा में निवेश है। Next few hours, we're going to begin sending in equipment to Ukraine.
for air defense munitions, for artillery, for rocket systems and armored vehicles. You know, this package is literally an investment. प्रोफेसर अमिताभ, आपने इसी बात को शुरुआत में ही मेंशन किया था, इसीलिए अब यही जानना चाहती हूं, जो बाइडेन का खुले तौर पर यह कहना कि यह पैकेज यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा में निवेश है, यह एक बहुत बड़ा संदेश गया। देखिए, ज़ेलेंस्की हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि अमेरिका या नेटो जो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी कर रहा है, और जो बाइडेन उसी बात को हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि इफ यूरोप वांट्स टू बी फ्री, रशिया नीड्स टू बी डाउन इन कंट्रोल। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये जो 96 बिलियन यूएस डॉलर का एड पैकेज जो दिया है तीन रीजन्स में, उनमें आप पाएंगे कि 75% जो ये पैसा है वो अमेरिका के पास ही रह जाएगा उनके डिफेंस प्रोडक्शन और उनके टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अमेरिका और खासकर जो बाइडेन दो चीजें कह रहे हैं, पहले तो ये कह रहे हैं हम इनको एड कर रहे हैं, इससे हमारे लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलने में मदद मिलेगी। right. तो जो बाइडेन का अभी जो और पिछले हमने 6 महीने में देखा किस तरह से यूक्रेन डेली स्ट्रगल कर रहा था वॉर फ्रंट पे, अमेरिकन्स ने इनको चढ़ाया, वॉर में भेजा, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं दे रहे थे। right. अब अपनी बात कि इससे जो बाइडेन के इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए जो बाइडेन का इलेक्शन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो अमेरिकन्स जानते हैं कि जो बाइडेन अब सक्षम नहीं है राष्ट्रपति बनने के। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, इसलिए आज के हालात में जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है और मनीष उस पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि अब रूस करेगा इस 500 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल, और बढ़ते खतरे के मद्देनजर रूसी सेना का यह फैसला, जहां आपको बता दें 2021 से रूसी सेना में शामिल है S-500 और अब S-500 की मोर्चे पर तैनाती होगी, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि S-500 एक्टिव, पुतिन को क्या खतरे का एहसास हो गया है, यही बड़ा सवाल है। हालांकि S-500 की मारक क्षमता देखिए 600 किलोमीटर है, S-500 सिस्टम दो तरह के होंगे, और पहला लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, दूसरा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब हाइपरसोनिक मिसाइल को भी नष्ट करने की ये क्षमता रखता है, हर तरह के लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में ये सक्षम है। ऐसे में आज के इस हालात में किस तरीके से रूस पर खतरे की ये बात कर रहे हैं मनीष, और S-500 को एक्टिव कर देना। देखिए, S-500 रूसी सेना के पास 2021 से था, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। आखिर क्यों नहीं इस्तेमाल किया था बीते 2 सालों में, क्योंकि उन्हें यूक्रेन युद्ध के लिए उन्हें लगा कि उनके पास S-300, S-400 और पंतसीर और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ही पर्याप्त हैं। ये सारी तैयारी हो रही है नाटो से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें आ गई है, कुछ ही हफ्ते के बाद F-16 और दूसरे फाइटर जेट आएंगे, और उनसे मुकाबला करने के लिए रूस अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 भी लगाने जा रहा है। तो पर्पस साफ है कि रूस और नाटो के जो संभावित जंग के बारे में हम लोग लगातार अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं वो अब बहुत दूर नहीं है, उसका प्रमाण है चाहे दोनों साइड से जिस तरह की तैयारी है, रूस जैसी तैयारी कर रही है, जर्मनी, पोलैंड और दूसरे जो देश है नाटो के वो जैसी तैयारी कर रहे हैं, और अमेरिका जिस तरह के हथियार भेज रहा है वो साफ तौर पर लग रहा है। 500 को एक्टिव करने की वजह आपने बता दी, लेकिन आगे बात होगी टाइफून फाइटर जेट की, और सुमित इस पर एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। उससे पहले एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब हालात को देखते हुए जहां रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया है, उसको देखते हुए खबर बड़ी है, जहां आपको बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए पोलैंड में लड़ाकू विमान भेजने की घोषणा कर दी है, और ब्रिटेन खतरे को देखते हुए पोलैंड एयर स्पेस को मजबूत करने में जुट गया है। इसके साथ ही 16,000 ब्रिटिश सैनिकों की पोलैंड में तैनाती होगी। टाइफून फाइटर आखिर कितना घातक है, यही इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब ब्रिटेन खतरे को देखते हुए पोलैंड एयर स्पेस को मजबूत करने में जुट गया है, और साथ ही बड़ी खबर ये कि 16,000 ब्रिटिश सैनिकों की पोलैंड में तैनाती भी होगी। अब टाइफून फाइटर जेट्स कितने घातक हैं, ब्रिटेन का ये सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है, 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैन फायरिंग 150 राउंड पर मिनट, एयर टू एयर मिसाइल से लेस, एयर टू सर्फेस मिसाइल से लेस, और इसकी स्पीड मैं जानती हूँ सुमित मेरे बोलने से ज्यादा बेहतर है कि आप बता दीजिए कि इस खासियत के तहत कितना मजबूत बनता है ब्रिटेन
सुमित। बिल्कुल, अगर आप देखें दो दिन पहले ही यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा, ऋषि सुनक ने इस बात को कहा कि देखिए हमें ना सिर्फ अपनी अपने यूक्रेन को मदद करनी है बल्कि अपनी प्रोडक्शन लाइंस को वॉर फ्रंट के ऊपर काम कराना भी है, यानी उनका टारगेट है कि आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना। और ये इसलिए यूक्रेन का यूके कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अब जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्सफुल तरीके से रशिया आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो पोलैंड की सीमाओं पर भी पहुंचेगा और पोलैंड के बाद वो जर्मनी, यूके और अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये तैयारियां इसलिए की जा रही है, और खासतौर पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से लगातार पेट्रोलिंग करवाना उन इलाकों के अंदर, अपने सैनिकों को तैनात कराना, दरअसल ये आप इसे कह सकते हैं कि स्टॉक पिलर्स या फिर एक सिक्योरिटी पिलर्स लगातार यूके या फिर अमेरिका तैयार कर रहे हैं ताकि उनके इलाकों तक ये कोई भी खतरा रशिया की तरफ से आने ना पाए, और इसी वजह से ये तैनाती हो, सैन्य तैनाती हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन की डिप्लॉयमेंट हो, एड को लगातार बढ़ाते जाना यूक्रेन को, ये सारी तैनाती है, सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला, इसराइल पर हिजबुल्ला ने हमले को अंजाम दिया है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने लेबनन पर कई रॉकेट भी दागे हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल पर भी इस बारे में कुछ जानकारियां आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां चार तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां जानिए कि किस तरीके से इसराइल ने हिजबुल्ला के 40 ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसराइल ने फाइटर जेट्स के साथ साथ मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। इसराइल का मकसद इस बार हिजबुल्ला को खत्म करना है, यही वजह है कि इसराइल ने अब एक बार फिर से हिजबुल्ला के टारगेट पर ऑपरेशंस को और तेज करना शुरू कर दिया है। और अब इमरान खान पर आई एक बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में सत्ताधारी पार्टियों के बीच सिरदर्द बने इमरान खान को लेकर अमेरिकी मीडिया से यह बहुत बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा, अमेरिकी सेनेटर शुमर ने इमरान खान को लेकर यह बड़ा दावा किया है। इमरान खान पर जेल के अंदर हमला हो सकता है, इमरान खान को मारने के लिए साजिश रची जा रही है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और साथ ही इस बड़ी खबर पर और इनपुट आपके सामने रख देते हैं, जहां जानिए किस तरीके से इमरान खान, आपको बता दें फिलहाल बड़े हमले की साजिश को देखते हुए यह खबर सामने आई है कि बड़ा हमला इमरान खान पर हो सकता है। इमरान खान रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं, और आपको बता दें जेल के अंदर हमले को लेकर यह बात कही जा रही है। अमेरिकी सीनेटर ने इमरान की सुरक्षा पर चिंता जताई है, इमरान खान पर 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और साथ ही ये कि पाकिस्तान में इमरान के कई दुश्मन भी हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक हमेशा कहते हैं जेल के अंदर इमरान खान सुरक्षित नहीं है। इस बीच अमेरिकी सीनेटर की तरफ से ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं इमरान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका अब कदम उठाए, ये बात भी इसमें कही गई है। यूएस में पाकिस्तानी राजदूत से इमरान के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर अब ये खबर सामने आई है, और देखिए किस तरीके से इसी खतरे को देखते हुए ये बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरान खान की जान को खतरा बताया गया हो, पहले भी इमरान खान पर कई बार हमला हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान जेल में बंद हैं और इमरान को मारने के लिए उनके दुश्मन क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की हत्या की चार आशंकाओं के तहत ही इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए रावलपिंडी की जेल पर आतंकी हमला हो सकता है और हमलावर कैदी बनकर भी इमरान को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ले जाते समय सुसाइड अटैक भी संभव है, और खाने में जहर देकर हत्या की आशंका को देखते हुए भी लगातार इमरान को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, और ये तस्वीर अब जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि पटना में होटल में लगी भीषण आग की ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत की खबर है। होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, इसलिए जल्द से जल्द प्राथमिकता ये कि लोगों को निकाला जा सके। पटना जंक्शन के पास होटल में लगी आग की ये भयानक तस्वीर देखिए, जहां पूरी की पूरी इमारत आग की चपेट में आ चुकी है, और यही वजह है कि होटल के अंदर जितने लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच दुखद खबर ये कि इसी आग की चपेट में आने से 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि होटल में ये आग लगी कैसे, इसको लेकर तो जांच की जाएगी, लेकिन ये 3 तस्वीरें देखिए, जहां पटना में होटल में लगी भीषण आग के बाद दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था, और इसी आग में 5 लोगों की मौत हो गई, और ये 3री तस्वीर जहां देखिए क्रेन की मदद से ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला गया, बचाया गया, 35 लोग बचाए गए। सिलेंडर ब्लास्ट का अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को लग रहा है कि उसकी वजह से ये कांड हुआ है, तो अभी जब पूरा खत्म हो जाएगा ये, हम लोग जो पूरा डाउज किए हैं, अभी फायर तो पूरा डाउज हो गया है, अब उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे कि आखिर क्या इंसिडेंट था, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और आग में झुलसने से होटल में लगी आग में 15 लोग झुलस गए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रुपेश इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है कि क्या जो धुएं का गुबार फैला हुआ था क्या उसकी वजह से बेहोशी या अन्य किसी कोई लोग तो फंसे हुए नहीं है। 50 से ज्यादा दमकल लगाने पड़े थे, आपको
कि उसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो घंटे की मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फायरगढ़ की गाड़ियां पहुंची तब तक एक किचन में काम कर रही थी, उस होटल के किचन में उस महिला की मौत हो गई, लेकिन एक एक करके पांच लोग अभी तक दम तोड़ चुके हैं और उसके बाद से कई लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया है, चाहे वो क्रेन लगा करके हो या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने के पहले, क्योंकि जंक्शन का इलाका है और जंक्शन के इलाके में कम से कम 200 होटल्स हैं, जाहिर बात है आस पास के होटल है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए। तो बड़ी खबर ये है कि फिलहाल सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका के तहत इस होटल में ये आग लगी है, पांच लोगों की मौत हो गई, 15 लोग झुलस गए जिन्हें अस्पताल में कराया गया है, जबकि 35 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है।